हेलो साथियों, मैं योगेश तिवारी एक बार फिर आप सभी का अपने परिवार अभ्युदय अकेडमी में स्वागत करता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल अभ्युदय अकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें। और आज का टॉपिक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएड इन एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022, जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ कितना रहने वाला है। और एक बात करें कि मेन कैंपस जो एयू में है, वहाँ पर बीएड के लिए सीटें नहीं हैं, ना तो एयू, सीएमपी, एडीसी, इन सभी कॉलेजों में सीटें नहीं हैं। ओनली आपकी केपी कॉलेज और एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो है, उसी में बीएड की एडमिशन होता है। सबसे पहले बात करते हैं केपी कॉलेज बीएड 2021 की कट ऑफ क्या रहने वाली, क्या थी उसके बारे में। और कुल सीटें जो हैं वहाँ पे 63 सीटें हैं, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए 63 सीटें हैं। और पिछले साल जो टॉपर का स्कोर था वो 198 गया था, और जिसके आधार पर आर्ट और साइंस दो पेपर मीडियम में पेपर कराए जाते हैं बीएड में। तो जो आर्ट की कट ऑफ गई थी जनरल के लिए वो 144 थी, और साइंस के लिए 150, EWS 140 और साइंस 144, OBC 136 और साइंस में 140, SC में 120 और साइंस में 128, और SC में ST कैटेगरी में 82 आर्ट में, आर्ट फैकल्टी में गई थी आर्ट में, और साइंस में आल सभी के स्टूडेंट को, कैंडिडेट को बुलाया गया था। ये थी आपकी 2021 की कट ऑफ केपी कॉलेज में। और फिर केपी कॉलेज की 2022 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली, इसकी बात करते हैं। उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर केपी कॉलेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसका रिजल्ट आ चुका है। आप जाके नीचे लिंक दिया गया है, जाके वहाँ से आप लोग एडमिशन स्कोर कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपर इस साल का जो मैक्सिमम मार्क्स गया है 196 टॉपर स्कोर है। नाम नहीं याद है, उस देख सकते हैं आप जाके वेबसाइट पर। और जो रहने वाली कट ऑफ जैसे पिछले साल की थी, उसी के रेशियो में इस बार भी रहेगी, 2-4 नंबर आगे पीछे होगा। जनरल की कट ऑफ जो आर्ट फैकल्टी में उम्मीद है, यानी कि 146 से 150 तक 5 नंबर आगे पीछे मान के चलिए। साइंस में 155 और EWS में 142 और साइंस फैकल्टी में 150, OBC में 138 और साइंस में 144, SC में 125 और साइंस में 130, और ST में 80 जाएगी, और साइंस में हो सकता है पिछली बार की तरह पूरे कैंडिडेट को सब बुलाया जाए, क्योंकि आई थिंक जो ST में होगा बहुत कम लोग साइंस से स्ट्रीम चूज किए होंगे बीएड के लिए, इसलिए वहाँ पर सभी को बुलाया जाएगा। टोटल 63 सीटें हैं जिसपे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एडमिशन लेंगे। आगे बात करते हैं एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज। इसमें जो बात करें तो इसमें कुल 125 सीटें हैं ओनली फॉर गर्ल्स। ये मेरिट बेस्ड पर होता है, अर्थात जब आपका एडमिट का रिजल्ट मिलेगा, स्कोर कार्ड जो होगा आपका, वो स्कोर कार्ड जो आपको मिल जाएगा उसको लेके आप इन कॉलेज जाएंगे, वहाँ से आपको एक दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए, एक फॉर्म मिलेगा वो फिल करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी मेरिट बनती है। अगर इस साल अपडेट किए होंगे तो अच्छी बात है, कि ऑनलाइन निकालें तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद मेरिट बनती है, फिर आपका एडमिशन SS खन्ना डिग्री कॉलेज में किया जाता है। स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर मिलते हैं, कोई और टॉपिक अगर आप सजेस्ट करते हैं जिस पर वीडियो चाहते हैं तो सजेस्ट करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।